रेजोनेंस कंडीशन ऑफ एलसीआर सर्किट कर लिया हमने, हमने कर लिया सीरीज रेजोनेंस के अंदर रेजोनेंस के ऊपर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, कर लिया रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इसके इक्वल होती है, ये भी कर लिया। ये बता देता हूँ, जब रेजोनेंस के ऊपर ग्राफ प्लॉट किया जाता है किसी भी एलसीआर सीरीज का, तो उसमें ये ग्राफ ऐसा बनता है। इस ग्राफ में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्स होती है, ओमेगा आर पे मैक्स है, कितनी, ई नॉट बाय जेड नी, ई नॉट बाय आर, क्योंकि रेजोनेंस के ऊपर जेड किसके इक्वल हो जाता है, आर के इक्वल हो जाता है। ये क्लियर है यहां पर? अब किसी ने ये पूछा, सर ये बताओ कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है। मैंने कहा अच्छा मैक्सिमम करंट ई नॉट बाय आर, उसने कहा हाँ, मैंने कहा ये है, कहता ठीक है। उसने कहा एक काम करो जी, आरएमएस करंट की वैल्यू कितनी होगी। मैंने कहा देख मैक्सिमम करंट अगर इतना है तो आई आरएमएस होगा आई नॉट बाय रूट टू, यानी कि ई नॉट बाय आर रूट टू, इसका मतलब ये करंट कौन सा है, आरएमएस। तो उसने पूछा कि आरएमएस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, या किस फ्रीक्वेंसी पे करंट आरएमएस के इक्वल होगा। तो मैंने कहा देख प्रॉब्लम ये है कि दो दो फ्रीक्वेंसीज पे आरएमएस के इक्वल हो सकता है। कैसे? एक ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन, जब करंट आई आरएमएस हो जाएगा, लिख लो यहाँ आई आरएमएस कर लो, यहाँ पे आई के पैर में आई आरएमएस कर लो, याद रहेगा, आई में कन्फ्यूजन होगी आपको, ये आई आरएमएस है, ये आई आरएमएस है, ठीक है। तो क्या आंसर देगा वो, कहेगा देखो सर एक फ्रीक्वेंसी तो रेजोनेंस से पहले आएगी ओमेगा वन, जब करंट आई आरएमएस होगा, और एक फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के बाद में आएगी ओमेगा टू, जब करंट फिर से आए आरएमएस होगा। सही है, दो फ्रीक्वेंसीज आएंगी, पीक वैल्यू पे तो एक ही फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे भी करंट सेम है, इस फ्रीक्वेंसी पे भी करंट सेम है, दो फ्रीक्वेंसीज है। सही है ग्रिप, सही है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब ये बता कि ओमेगा आर और ओमेगा वन, ठीक है, वो एक ओमेगा आर है एक ओमेगा वन है, तो ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो सिमेट्री में एग्जैक्टली सेम बनता है एलसीआर में, ये जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, अगर मैंने कहा ये बता, अगर मैं डेल्टा ओमेगा की बात करूँ, डेल्टा ओमेगा मतलब चेंज इन ओमेगा, इसमें फर्स्ट इंटरवल में डेल्टा ओमेगा क्या बनेगा। उसने कहा ओमेगा आर माइनस ओमेगा वन, और सेकेंड इंटरवल में डेल्टा ओमेगा क्या बनेगा, वो कहता ओमेगा टू माइनस ओमेगा आर। सही है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट है इसमें? मैंने कहा एक काम कर, इसे ऐड कर देते हैं, कट गया, क्या आया, टू इंटू डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। सही है, इसका मतलब ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, अगर ये डिफरेंस डेल्टा ओमेगा, ये भी डेल्टा ओमेगा, तो ये डिफरेंस टोटल क्या बनेगा, ये एरो का डिफरेंस टू इंटू डेल्टा ओमेगा, इसको नाम दिया जाता है बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल। तो बैंडविड्थ का मतलब होता है, बैंडविड्थ का मतलब है कि किसी भी एलसीआर सर्किट में जब करंट आई आरएमएस होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं, इन फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को बैंडविड्थ बोलते हैं। आप कहोगे बैंडविड्थ का क्या लेना देना है, बैंडविड्थ का ये लेना देना है, सोचो किसी सिग्नल की बैंडविड्थ कम है, याद रखना कम है, उसकी पीक हमेशा ज़्यादा होगी, और जो ज़्यादा ब्रॉड होगा, बैंडविड्थ ज़्यादा है, उसकी पीक हमेशा छोटी होगी। ये देखो इसकी बैंडविड्थ कम है, इसकी पीक ज़्यादा है, इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, इसकी पीक कम है, और हम ये चाहते हैं कि पीक ज़्यादा हो। रेडियो स्टेशन कैसे काम करेगा, पीक की गेम है सारी, अगर वो पहचान ही नहीं पाया किसकी पीक ज़्यादा किसकी कम, तो किसे फिल्टर करेगा, सारी गेम ही फिल्ट्रेशन की है। तो बैंडविड्थ क्या रखी जाती है, लो रखी जाती है। राइट, क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें पूरे रिजल्ट में इसे कंक्लूजन निकाल दिया है कि रेजोनेंस के ऊपर जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस का सिग्नल का सिंबल क्या होता है, जेड, इम्पीडेंस
becomes purely resistive. Z किसके इक्वल हो जाता है रेजोनेंस में? R के. ये इसका मतलब. करंट क्या हो जाता है रेजोनेंस पे? मैक्सिमम. पावर डिसिपेटेड आई स्क्वायर आर क्या हो जाती है? मैक्सिमम. जब रेजोनेंस होती है कॉस फाई क्या होता है एल सी आर में? आर बाई जेड. जब रेजोनेंस होती है तो जेड और आर बराबर हो जाते हैं. कॉस फाई क्या हो जाता है? वन. फाई क्या हो जाता है? जीरो. फाई जीरो है यानी कि करंट और वोल्टेज सेम फेस में है. एल सी आर में जब रेजोनेंस होती है तो एक पर्टिकुलर सिग्नल को एक्सेप्ट कर लेता है 92.7, बाकी रिजेक्ट कर देता है. इसलिए हम इसका दूसरा नाम क्या लेते हैं? एक्सेप्टर सर्किट है. एक्सेप्टर सर्किट क्योंकि एक सिग्नल को एक्सेप्ट कर लेगा बाकी को नहीं करेगा. रेजोनेंस वाले को कर लेगा बाकी छोड़ देगा. एक्सेप्टर सर्किट है. ठीक.